हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। घर के आसपास कहीं भी अगर ये पौधा दिख जाए तो संभाल कर इसे अपने पास ले आइए, क्योंकि ये पौधा आपके लिए बहुत बड़ी औषधि का काम करने वाला है। ये कौन सा पौधा है और इसके क्या क्या फायदे हैं, किन किन बीमारियों के लिए, आप मेरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। तो आप भी मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये पौधा ये आपके लिए सच में औषधि का रामबाण उपाय है आपके शरीर के सारी बीमारियों का। चलिए जान लेते हैं इस पौधे का नाम क्या है। इस पौधे का नाम है मकॉय। जी हाँ, मे बी आप लोगों ने पहली बार इसका नाम सुना होगा, तो आज आपको मैं इसके बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। मकॉय एक प्राकृतिक औषधि है जिसे कमौनी भी कहा जाता है। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे काकमाची, मक्को, गुड़कमाई, कचमच, पिलुड़गड़ी, चार गोटी और गचेटू आदि। इसके जो फल होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं। इसे पकने के बाद ये काले हो जाते हैं। मकॉय फल बाग बगीचों, नदी नालों के किनारे में अधिक जगह में पाया जाता है। मकॉय का फल एक चमत्कारी औषधि का काम करता है और खतरनाक बीमारियों को हमेशा के लिए कर देता है खत्म। मकॉय भूख को बढ़ाने वाला होता है। ये गठिया, बवासीर, सूजन और कोढ़ जैसे रोगों को दूर करता है। दिल के रोग के अलावा आँखों की बीमारी, खांसी, उल्टी और कफ आदि रोगों को ठीक करता है। जितने भी भारत में जो भी स्वदेशी चिकित्सालय आपने देखे हैं, वो सब उनमें सूजन की समस्या को दूर करने में मकॉय का ही प्रयोग किया जाता है। लीवर की बीमारी, चरम रोग और दस्त में मकॉय का बहुत ही प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके और क्या क्या फायदे हैं। अगर आपके शरीर में सूखी खुजली या चरम रोग हो गया है तो त्वचा संबंधी रोग जैसे चरम रोग, खुजली होने पर मकॉय की पत्तियों को पीस कर इसे पेस्ट का लेप लगाने से बहुत फायदा मिलता है। साथ में मकॉय के डंडलों की सब्जी भी आप खा सकते हैं। पीलिया के रोग के लिए जिस व्यक्ति को पीलिया का रोग हो गया है उसे रोज इस कांत का पानी ना चाहिए, जिससे कि उसका रोग यानी पीलिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि आपके मुंह में छाले हो गए हैं और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो मकॉय के चार पत्ते लें, उन्हें मुंह में चबाएं, इसे जल्दी ही आप मुंह के छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो गई है, चरम रोग हो गया है, तो उसमें मकॉय के रस को निकालें और अपनी त्वचा पर उससे मालिश करें, जिससे आपकी बड़ी से बड़ी स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। खूनी बवासीर में मकॉय के पत्तों का एकदम ताजा रस निकालने के बाद 10 ग्राम की मात्रा में उसे पिए, आपके खूनी बवासीर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रोज मकॉय के पत्तों से बना रस 10 मिलीलीटर पीने से गुर्दे और मूत्राशय की सूजन बिल्कुल ठीक हो जाती है। यदि उल्टी आपको लगातार हो रही है तो सुहागा भी एक प्रकार की औषधि होती है। सुहागा और मकॉय के रस में मिलाकर सेवन करें, उससे आपकी उल्टी तुरंत बंद हो जाएगी। बुखार होने पर आप मकॉय का काढ़ा बनाकर पिए, इससे आपका बुखार जल्दी उतर जाएगा। चेचक होने से चेहरे पर दाने निकल जाते हैं, यदि उस समय उपचार ना मिले तो चेहरे पर दाग धब्बे अगर वो छोड़ चुके हैं तो इसके उपचार के लिए मकॉय से निकलने वाले कांत को पीने से चेचक में यानी जो उसके दाग पड़ चुके हैं उसमें आराम मिलेगा। अगर आपके त्वचा पर लाल चकते पड़ गए हैं, लाल लाल पैचेस हो गए हैं, तो मकॉय के पत्तों का रस लगाना चाहिए, जिससे कि आपकी वो परेशानी दूर हो जाएगी। खराब दांतों को बिना दर्द के बाहर निकालने के लिए किसी भी तेल या घी में मकॉय के पत्तों का रस मिलाकर मसूड़ों और दांतों पर लगाने से खराब दांत बाहर निकल जाता है। अगर आपको नींद नहीं आती, नींद आने की समस्या है, तो गुड़ के साथ मकॉय की जड़ का रस मिलाकर रात को सोने से पहले सेवन करें, इससे आपको अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। चूहे का विष बहुत ही खतरनाक होता है। इस विष को खत्म करने में मकॉय एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि है। मकॉय का रस निकालकर मालिश करने से चूहे का जो विष है वो निकल जाता है, उतर जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? है ना ये चमत्कारी पौधा, है ना आपके शरीर के लिए रामबाण उपाय आपकी हर बीमारी के लिए। तो बस अब आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको ये पौधा मिले, आपको मैंने इसके इतने सारे नाम बताए हैं कि के नामों से जाना जाता है, इस पौधे को लाएं और अनेक बीमारियों से अपने शरीर को बचाएं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, करना है वीडियो को लाइक अगर आपको अच्छी लगे, और शेयर करिए, क्योंकि ताकि सब लोग इस वीडियो को जानकर नॉलेज लेकर इसका फायदा उठा सकें। सब्सक्राइब के बटन के साथ ही छोटी सी बेल आइकन होता है, जिसको प्रेस करना कभी ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाला मेरा कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताना मत भूलेगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।